Hi guys, I'm Dr. Aditi R. Khandelwal and welcome to my channel Flora Frenzy on YouTube, and with the same name I also have a page on Instagram. So please do visit my Instagram page. And you know, I keep on thinking ki kya naya laun, kya naya laun. So usi nayi cheez ko dhoondte dhoondte aaj main ek aisi jagah aayi hu. Main Jaipur mein hu and I am standing on the 5th floor and this is a terrace. जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास में ज़मीन नहीं है और हम कुछ भी तरीके की गार्डनिंग नहीं कर सकते, दिस इज़ गोना बी अ ट्रीट फॉर देम एंड दे आर गोइंग टू सी समथिंग सो अम्यूजिंग. और टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू डू अ प्रोलॉग विद इट एंड इन माई नेक्स्ट एपिसोड आई एम गोना टेल यू कि आगे इसमें मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट मी शो यू व्हाट एम आई गोना कवर. Adenium flowers, and by that I'm sure you can guess that today we are going to cover something about the different varieties and different flowers of Adenium. And we are doing a series on the collection of Mr. KK Agarwal, who has an excellent variety and a varied variety. I mean, I don't know what adjective to use for the kind of variety that he possesses. So we are going through all the variety that he possesses right here in Rajasthan. So, without wasting time, let me welcome Mr. KK Agarwal. Welcome again.
मैं यहाँ पर आकर के इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतने अमेजिंगली ब्यूटीफुल आपके जो अडीनियम्स हैं वो हैं. ओके, सो टेल अस व्हिच वन इज द ओल्डेस्ट अडीनियम दैट यू हैव. दीज आर द ओल्डेस्ट वन. ओके, सो या दे आर क्वाइट विजिबल. ओके, सो आई वुड लाइक टू शो ऑल द व्यूअर्स दैट लुक एट दिस. दिस इज सो यूनिकली डिजाइंड. यस. एंड हाउ ओल्ड वुड इट बी? अबाउट 45 years. 45 years. एंड इसको आपने बहुत सारे पॉट्स में बदला होगा? समय समय पे जैसे बढ़ता गया मैं पॉट बदलता गया. ओके, एंड दिस इज आई थिंक इज दिस अ वेरिएटेड वैरायटी और नहीं? ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी वैरायटी, बट देन इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सो हम जब इसको देख रहे हैं तो एब्सोल्युटली इसका कोडा कितना ज्यादा मोटा है. एंड सो दैट ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन कि व्हाट डू यू फीड देम? क्या खिलाते हैं आप अपने एडिनियम्स को? इनको लॉट्स ऑफ लव. डेफिनेटली यस. यस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. जी, नथिंग एल्स. यस. और ऐसे ही ये चल रहे हैं? यस. अरे वाह. सो यस, 45 इयर्स एंड आई थिंक इट इज वेरी वेरी अमेजिंगली वी इन्वेस्टेड 45 इयर्स बिकॉज समथिंग लाइक दिस आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट. सो ब्यूटिफुल. सो हम लोग जब पीछे एक वीडियो में बात कर रहे थे तब आप बोल रहे थे कि अडीनियम को हमेशा ऐसा बोला जाता है कि फेब्रुअरी मार्च में अच्छा टाइम होता है उसको कट करने का. बट हाउ डू यू डू डील विद द कटिंग एंड प्रूनिंग ऑफ अडीनियम? देखिए, मार्च में इसमें फ्लावरिंग रहती आती है खूब. बिल्कुल. परंतु अगर आप फेब्रुअरी में काट देंगे तो आप बताइए मार्च में कैसे आ जाएंगे फूल? पहले तो वो मतलब ब्रांचिंग करेगा ना, वहाँ से पत्तियाँ निकालेगा. तो आप कहेंगे नहीं साहब मार्च में फूल आते हैं. तो नहीं, इसका काटने का ये, आप साल भर में कभी भी देखते हैं कि एक ज़्यादा बढ़ गई है तो आप उसको काट दीजिए. ओके, उसी टाइम. सो ऑन गोइंग प्रोसेस, एवरी डे यू नीड टू गो स्पेंड सम टाइम विद योर प्लांट्स. एवरी डे गो इन अ वीक, बट जो ज़्यादा बढ़ गई उसको उस टाइम काटिए. That is the best policy. मैं तो ऐसे करता हूँ. I think that's the beauty of these because they don't grow overnight. Yes. They are slow growing, so yes, it takes their own time. Yes. And you have your own time to cut them. So yes. True. तो इसका फर्क पड़ जाता है. जी. So what we see over here is one, and the second one that is also around 45 years old. Yes, they are from the same seed packet. Okay. Yes. All these are from the seed packet. ये भी. ये सारे के सारे आप जितने भी अडीनियम लगाते हैं, all those are from seed. With him. Wow. वो क्या हुआ कि इतने सारे हो गए थे तो मैंने नीचे क्यारी में लगा दिए थे इनको. हाँ. तो इनकी तो ये हालत थी, बारिश में पानी मिलता था और तो खत्म. हाँ. पड़े रहते थे. हाँ. और मैंने कहा क्योंकि वो बिल्डिंग बना रही थी, मैंने इनको निकलवा लिया बाहर. हाँ. तो फिर लोग बागों का मैंने कहा चाहिए. तो वो इनको देख के नहीं चाहिए. मोटे हो गए और खूब फ्लावरिंग हुई है इस साल. बिल्कुल. मतलब फ्लावरिंग इफ यू सी इतने ब्यूटीफुल, मतलब अलग अलग शेड्स हैं. दिस इज लाइट पिंक, दिस इज अ लिटिल डार्कर. खूब भरा. एवरी बंच लुक्स लाइक ए बुके. Absolutely. आपने एक बुके पकड़ रखे हैं सब. हाँ. सब हाथों में वैसे लगना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए. मतलब ये तो वो है. और इनकी भी जो ब्रांचेस हैं वो इतनी शेडी हैं, मतलब आपस में खूब पास पास आई हुई हैं. एक तो चीज और ध्यान रखना होता है जब काटते हैं ना जी, तो अंदर भी कोई की कटिंग करनी है तो कोई ब्रांच बड़ी ऑकवर्ड लग रही है आंखों को इस सोर्स, तो उसी टाइम काटिए, उधर नहीं जाए वो बस. ताकि अच्छा फिर जाल में ये भी रहना चाहिए कि हमको उसका कॉर्डेक्स दिखे, उसकी ब्रांचेस दिखे. ज़्यादा भी आपने ग्रो कर लिया हो तो फिर इसकी ब्यूटी तो दिखेगी नहीं, खाली एक झाड़ दिखेगा. बहुत ज़्यादा कटिंग अगर कर दी तो. हाँ, तो यू हैव टू मैनेज. आई मीन द मैनेजमेंट कम्स इनटू इट. यस, हर हिसाब से ये करना. दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियम दैट यू आर यूजिंग फॉर प्लांटिंग दीज अडीनियम्स? देखिए, इसको तो लाल मट्टी बोलते हैं वैसे देशी भाषा में. वैसे टेक्निकली दिस इज सिलिकॉन. ओके. इंडस्ट्री में भी काम आता है. uh-huh. और मैं तो शुरू से ये सब पेड़ इसी में उगा रहा हूँ. अच्छा, सो यू डोंट यूज एनी काइंड ऑफ गार्डन सॉइल? रेत भी नहीं? नहीं. मैं जो आजकल वो केंचुए का आता है वो भी नहीं काम लेता हूँ, वो तो बिल्कुल. अच्छा. लगता है मट्टी है.
अच्छा ओके तो वो भी नहीं लगाता हूँ हाँ। मेरे यहाँ फिट बना रखा है जहाँ हाँ। ये पत्तियाँ डाल देते हैं हाँ। और वो धीरे धीरे सड़ जाती है तो मैं उसको काम लेता हूँ कम पड़ती है तो फिर गोबर का अच्छा गला हुआ खाद होना चाहिए गोबर का। सो टुडेज एपिसोड एंड यू नो दिस सीरीज ऑफ एपिसोड सीरीज दैट वी आर डूइंग विद मिस्टर के अग्रवाल इज गोना रेवोल्यूशनराइज द होल थिंग बिकॉज टिल नाउ हमें हमेशा यही बताया जाता था कि जब भी आप अडीनियम लगाएं तो आप यू नो वन थर्ड कोकोपीट भी डाल सकते हैं वन थर्ड सैंड वन थर्ड आप उसके अंदर गार्डन सॉइल डालें और उसके साथ में आप बनाएं बट टुडे वी गॉट टू नो दैट ही इज़ डूइंग एब्सोल्युटली देर इज़ नो गार्डन सॉइल इन इट ही इज ओनली प्लांटिंग इट इन टू सिलिका गोबर की खाद सो दैट्स रेवोल्यूशनराइजिंग फॉर द इंडस्ट्री ऑफ ग्रोइंग अडीनियम्स आई वुड रादर से सो लेट्स जस्ट गो थ्रू इट लेट्स जस्ट सी कि कितने ब्यूटिफुल इनके कोडेक्स हैं एंड दे आर सो ब्यूटिफुल ओके सो 45 ईयर्स पुराने हैं ये सारे के सारे अडीनियम एंड दे हैव बीन यू नो फ्रॉम द सेम पैकेट ऑफ सीड्स यू हैव ग्रोन इन एंड लुक एट द डिफरेंट वराइटीज ऑफ यू नो द कलर्स दैट दे हैव कम अप विद दिस इज लाइटर पिंक दिस इज अ लिटिल डार्कर बट कितने सारे फ्लावर्स इन पे सब पे आ रहे हैं आप बात कर रहे थे एक उस वाले कोडाक की कितना अलग तरीके का है सो इफ यू सी फ्रॉम हियर इधर से देखेंगे अगर हम सो इट एब्सोल्युटली लुक्स लाइक अ टर्टल सो इसकी ऐसा दिख रहा है जैसे दो टू आईज यू नो दे हैव पॉप्ड आउट एंड देन इट हैज हैंड्स एंड लेग्स सो विद लिटिल बिट ऑफ उस आर्टिस्टिक आई You can definitely make all these beautiful Kodaks. और ये भी सारे के सारे वही 45 years और उधर वाले भी उस टाइम मैंने मिक्स पैकेट मंगवाया था अच्छा। बैंकॉक से ओके तो उसमें ये निकले जी सो ऑल इम्पोर्टेड सीड्स तो आजकल तो बहुत नए नए कलर्स भी आते हैं हाँ, मैं उसमें इंटरेस्टेड कम हूँ हाँ, मैं इनका कोडेक्स को साल भर तो कोडेक्स और ब्रांची की देखेंगे बिल्कुल तो नहीं देखेंगे फ्लावर्स आते नहीं हैं आई एम नॉट सो मच इंटरेस्ट ठीक है एक बार और इधर भी अपने व्यूअर्स को सबको दिखा दें कि कितने सुंदर सुंदर ये हैं देखिए कितना सुंदर जाल इसका बना हुआ है यहाँ पर बिल्कुल कितनी मेहनत आपको लगी होगी इनको रोज काटने में छांटने में देखने में ये देखिए कहाँ खाली भाई हाँ। फूल ही आया बेचारे मोटे हाँ। के ऊपर सो प्रिटी एंड लुक एट दिस सो वही जो हम पैटर्न पहले हमने एक बार एक वीडियो में डिस्कस करा था कि अडीनियम जब भी जाता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा शैलो पॉट में ही लगाते हैं बहुत ज़्यादा डीप पॉट में नहीं लगाते हैं तो कुंडी सॉर्ट ऑफ जो होता है उसके अंदर लगाया जाता है चलिए अब आप हमें इसका थोड़ा सा मीडियम दिखाएं कि आप क्या इस किस में लगाते हैं एंड वॉट इज सिलिकन क्योंकि आई एम श्योर नोबडी नोज वॉट इट इज लेट्स गो सो हम फाइनली वहाँ आ चुके हैं जहाँ हम वो अम्यूजिंग सा कुछ सीक्रेट वाला जो उसका मीडियम है वो देखने जा रहे हैं सो आप हमें बताएं कि व्हाट इज दिस देखिए यहाँ लोकली हाँ इसको लाल मट्टी भी बोलते हैं लाल मोरम भी बोलते हैं अच्छा ये है। नदी की नहीं है जैसे बजरी नदी की होती है ये पहाड़ों में से निकलती है अच्छा और यहाँ जयपुर में सामोद से आती है ओके तो वैसे इसको इंडस्ट्री में भी काम में लेते हैं और इसको सिलिकॉन बोलते हैं So this over here is silica, which they use as the medium. Majorly इसको पार्ट लेते हैं और फिर ये जो मेरे दूसरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है गोबर की खाद और गोबर की खाद में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सड़ चुकी हो पूरा और सूख चुकी हो गीली जो खाद होती है वो केवल एक कमल में काम में आती है अदरवाइज किसी में भी हम कभी भी गोबर की जो खाद होती है उसे गीली को यूज़ नहीं करते इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली रॉटन इट हैज़ टू बी कि वो पूरी सूख गई हो पूरी ड्राइड अप हो गई हो और उसके बाद में उसे छान करके इस तरह से काम में लिया जाता है सो यू मिक्स इट विद दिस राइट इन इक्वल प्रोपोर्शन नहीं नहीं 25% डाल दो इसमें लाइए मेरे को 25% गोबर की खाद और 75% सिलिका को यूज़ करके सारे गमलों में वो ही यूज़ करा गया है एंड वी कैन सी दैट यू नो द प्लांट्स आर प्रॉस्परिंग लाइक एनीथिंग सो दिस हैज़ बीन एन अमेजिंग विजिट टू ऑल द अडीनियम्स दैट यू हैव एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत मज़ा आया होगा कोई एक टिप जो आप उनको देना चाहें अडीनियम्स के बारे में टिप तो मैं ये कहूँगा यू लव देम थ्रू आउट द ईयर एंड गिव देम मैक्सिमम सनलाइट
दैट इज़ ए मस्ट। बहुत से अंदर रख लेते हैं फिर बाहर ले आते हैं फिर अंदर रख लेते हैं, तो वैसे ही हो जाता है ये, कोई जेल में जाता है बाहर आ जाता है फिर जेल में जाता है। जी जी जी, तो अडीनियम को हमेशा पूरी प्रॉपर सनलाइट में रखें, कम पानी दें, और कम पानी नहीं, जब भी पानी दें भर के दें, भर के अपन भी जब पानी की प्यास लगती है भर के लगते हैं, बिल्कुल नीचे से पानी निकल जाए उतना पानी डालें, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा में तो फिर ये जो इसमें तत्व हैं वो भी निकल जाएंगे, तो इतना अंदाज कर लीजिए कि भाई भर जाए पानी पर भर जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, यू विल लर्न वाटरिंग विद प्रैक्टिस, डोंट लूज योर हार्ट एंड कीप वाटरिंग द प्लांट्स एंड हैव अ लॉट ऑफ प्लांट्स एट योर प्लेस। पोरोसिटी होनी चाहिए जी, ताकि पानी रुके नहीं बस। हाँ, और मेरे ख्याल से ये जो सिलिका होता है ये उसको वही देता है पूरी चीज़। एक्चुअली बजरी तो स्मूथ होती है उसका सरफेस, ये रफ है बिल्कुल। हाँ, तो क्या रफ में थोड़ा एयर पॉकेट्स भी अच्छी रहती है, तो इसको आराम, मतलब ये महलों में रहता है। हाँ, जी जी जी, वो जैसे क्ले में उगाएंगे क्या उगाएंगे, वो झोपड़े में रहता है एकदम ही, उसका फर्क बिल्कुल। सो यस, इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि लव योर प्लांट्स अ लॉट, गिव देम एम्पल वाटर बट नॉट अ लॉट ऑफ वाटर, विच यू विल लर्न ओनली विद प्रैक्टिस। सो विद अनादर, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अनादर एपिसोड। दिस इज़ मी डॉक्टर आदिति आर खंडेलवाल फ्रॉम फ्लोरा फ्रेंजी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट टिल नाउ, डू लाइक इट, शेयर इट एज मच एज यू कैन, ऑल्सो विजिट माई इंस्टाग्राम पेज बाय द सेम नेम, फ्लोरा फ्रेंजी, पौधों के लिए पागलपन।